तो भाई हम आ चुके हैं फाइनली मुंबई, इंडिया का पहला एप्पल स्टोर देखने। नए आईफोन्स, वॉचेस, एप्पल के नए प्रोडक्ट्स जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे वो इस स्टोर पे मिलने वाले हैं। हमने एप्पल का $5 बिलियन वाला पार्क दे रखा है, स्टीव जॉब्स थिएटर में हमने एप्पल का लॉन्च देख रखा है और नए नए प्रोडक्ट्स हमने आपको एक्चुअली लाइव दिखा रखे हैं। हमने वर्ल्ड वाइड सारे एप्पल स्टोर देख रखे हैं भाई, अलग अलग आईफोन हमने खरीद रखे हैं अलग अलग लोकेशन से, और ये वाला इंडिया में एप्पल ने 25 साल बाद खोला है। तो इसके अंदर जितनी भी स्पेशल चीजें हैं भाई, अंदर से बाहर से सारी चीजें आपको दिखाएंगे। ये भी एप्पल का इन फाउंटेन के पानी से एप्पल उगाए जाते हैं भाई। ये तो खाली खाली सा है मॉल, अब तो रेडी हो गए बैंकी भाई, मॉल में चलेंगे मजे करेंगे, लेट्स गो। तो अब हम फाइनली जाने वाले हैं एप्पल स्टोर में, देखते हैं क्या क्या चीजें होती हैं भाई। पहले स्टोर चेकआउट करते हैं, एप्पल खाते हैं, फिर चलेंगे। मॉल में सब कुछ महंगा है भाई, हमको मैक मिल गया यार। एप्पल ने ना अपना थोड़ा कलरफुल कर दिया इस बार एप्पल स्टोर, मैक वैक पूरा ना, नया वाला मैक हो गया एप्पल केबल लटका रखी है। एंट्री तो बंद कर रखी है, गेट लगा रखा है, दिल्ली जाए रखे मिल जाएंगे, एंट्री नहीं है ना। ये लोग ये है इंडिया का पहला एप्पल स्टोर। इसके अंदर काफी सारे नेक्स्ट लेवल चीजें हैं। बाहर से अगर आप देखो, बड़े बड़े कांच लगा रखे हैं, क्या एप्पल प्रोडक्ट सस्ते मिलेंगे, इंश्योरेंस बढ़िया मिलेगा, एप्पल केयर मिलेगा फ्री, सारी चीजें हम फिगर आउट करेंगे और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते भाई, अंदर चलते हैं, लेट्स गो। एप्पल के अंदर बहुत सारे एप्पल स्टोर देंगे, आई थिंक ये वाला वन ऑफ द बिगेस्ट एप्पल स्टोर में से एक हुआ। आप लोगों को लग रहा होगा भाई 25 साल क्यों लग गए एक स्टोर खोलने में, एप्पल एक्चुअली 25 साल से बेच रहा है मोबाइल्स और लैपटॉप्स और सारी चीजें इंडिया में। देखो एप्पल ना अपना फायदा भी देखता है कि जिस कंट्री से जब रेवेन्यू आने लगता है उसके बाद वो इन्वेस्ट करना भी स्टार्ट करता है। रिसेंटली भाई आईफोन की सेल्स भी इंडिया में काफी ज्यादा बढ़ गई थी, तो इस वजह से भाई उन्होंने सोचा हुआ स्टोर खोलने का सही टाइम है, हम भी चल के ट्राई करते हैं, लेट्स गो। भाई एक्चुअली अगर नोटिस करो यहाँ पे दीवार के अंदर ये जो लोगो है इसके अंदर लाइट जल रही है, अब ज्यादा कूल सा लग रहा है भाई। They have a wonderful team of technical specialists, technical experts. But there's one thing I'm really, really excited about, that in India, the Apple users will now have a place that they can trust. तो भाई हमको लेक्चर मिल गया कि कैसे कैसे क्या क्या काम कर रहा, छोटी छोटी चीजें मैं क्विकली कवर करूँ। ऑफ कोर्स भाई गाना चल रहा है, थोड़ा कॉर्पोरेट का कर सकते हैं। सबसे पहली चीज आप नोटिस करोगे वो है ये पेड़ भाई, मैं और कोई स्टोर नहीं आता जो भाई बड़े बड़े एक मॉल के अंदर पेड़ लगा है। साथ साथ अगर आप नोटिस करोगे भाई ये पूरी दीवारें ग्लास की है, ये एक्चुअली 8 मीटर ऊंची है। मैं वर्ल्ड में काफी सारे एप्पल स्टोर जा चुका हूँ और हर बार मैंने मतलब आईफोन अलग अलग दुनिया के कोनों से खरीदा है, बट ये वाला एक्चुअली एक बहुत ही बड़ा एप्पल स्टोर है। कुछ चीजें जो मैं नोटिस कर रहा हूँ कि भाई लाइटें देखो कहें, लाइट है नहीं, पूरा जो स्टोर है उसमें नेचुरल लाइट आ रही है और ऊपर की साइड बहुत छोटी छोटी सी लाइटें लगा रखी है। एक्चुअली अगर आप नोटिस करो काफी सारा इंडियन सामान लगा रखा है, जैसे जमीन पे पूरा मार्बल लगा रखा है, ये काफी चीजें मैसूर से शिफ्ट है, साइड में जो टाइल्स हैं ये पूरी राजस्थान से शिफ्ट है। तो बेसिकली काफी मतलब एक सस्टेनेबल टाइप बनाने की कोशिश करी है, एप्पल का एक अलग सा स्टाइल है, हर जगह सेम ही टाइप की टेबल्स यूज होती है। इसमें एक चीज और वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, जैसे अगर जादू भाई जादू, तो ये वैसे किसी ने बताया नहीं, ये पीछे स्क्रीन है एटलीस्ट 3 करोड़ रुपए की स्क्रीन है। इससे बहुत ही सस्ता वाला मॉडल हमने लगाया था 50 लाख रुपए का। इस वाली स्क्रीन के अंदर एप्पल अपने इवेंट्स करने वाला है, काफी सारी नेक्स्ट लेवल क्रिएटिव चीजें शोकेस करेगा, अलग अलग चीजें दिखाएगा, ये करके भाई सारे फोन्स भी देखते हैं। प्रोडक्ट्स यहाँ पे पीछे की साइड पे ऐसे अटैच होके मिलेंगे, यहाँ पे वॉच वॉच है, अपना आईपैड होंगे, आप देख सकते हो सारी चीजें टांग रखी है, घड़ियां यहाँ पे ऐसे देख के मजा आता है। और बैक साइड में चारों तरफ एक पूरा ही वुडन मटेरियल, यहाँ पे एयरपॉड्स भी लगा रहे हैं सारे ना, अलग अलग वॉच स्ट्रैप्स हैं डिस्प्ले पे, आप मतलब ऐसे चेक करके क्वालिटी देख सकते हो कौन सा कैसा वाला स्ट्रैप है। ये वाले स्ट्रैप मैंने इससे पहले देखी नहीं, ओह शिट मैं निकाल दिया। एक मस्त चीज दिखाता हूँ, ये आपको लग रहा हो केसेस टंगे में, ये सुखाने के लगा रखे, नहीं ऐसा नहीं, इसको आप ऐसे क्लिक करो, भाई अंदर केस पड़े हैं, अब उठा के ले जा सकते हो, अपने आप चल जाता है, मैंने ऐसे धक्का दे दिया। एप्पल की किसी भी चीज की भाई, मैं इनके हेडक्वार्टर्स भी गया था, वहाँ पे भी काफी नेक्स्ट लेवल चीजें हमने ट्राई कर ली, बट यहाँ पे भी भाई छोटी छोटी जो चीजें हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन है, ग्लास बहुत ज्यादा यूज है। और यहाँ पे जैसे अगर आप इस स्टेयरवे भी चढ़ोगे, 3 ग्लास को जोड़ के इसकी ये साइड वाली रेलिंग बना रखी है और ये एक सिंगल पीस ऑफ ग्लास, और हर जगह आप देखोगे भाई पूरा स्टेनलेस स्टील का है, यहाँ पे जो मार्बल है ये भी काफी सुंदर सा लग रहा है। ये अगर एप्पल के पेड़ होते ना तो मजा ही आया। ये अंदर पेड़ इसलिए भी उगा पाते हैं क्योंकि सनलाइट इतनी आती है ना, तो
भाई पेड़ उग भी सकते हैं। माचो के फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ पे भी अगर नोटिस करोगे ये पूरा ग्लास रेलिंग है, इसमें कोई हैंडल वैंडल भी नहीं भाई एकदम कर्व्ड ग्लास बनाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हमने ट्राई करा था और इसमें कोई भी रेलिंग नहीं है। मैं सोच रहा हूँ घुसाया कैसे होगा अंदर, ये ट्रक पे तो आएगा नहीं, ये एरोप्लेन से ड्रॉप करा था पबजी वाला। एक चीज अगर आप पूरा नोटिस करोगे यहाँ पे जो पूरा स्टोर है इसमें लाइटें बहुत ही ज्यादा कम है। ऊपर की साइड पे जो लाइटें लगी हैं बहुत छोटी छोटी सी लाइटें हैं येलो कलर की, बट एक्चुअल पूरे स्टोर में जो लाइट आ रही है वो बाहर से भाई सनलाइट आ रही है। बहुत सारी चीज़ें होती है भाई जो आप स्टोर पे नोटिस करोगे, जैसे यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मतलब ऐसे नॉर्मल बंदे नहीं हैं जो रैंडमली आके खड़े हो गए, ये मोस्टली ऐसे बंदे हैं जो एक्चुअल म्यूजिशियन हैं, जो एक्चुअल आर्टिस्ट हैं, और वो यहाँ पे जॉब पे एक्चुअली आपको सिखा पाएंगे कि म्यूजिक कैसे बनाना है, और वो उनको एक्चुअली पता है कि भाई प्रोडक्ट्स कैसे यूज होते हैं, कैसे इस्तेमाल करे जाते हैं। भाई यहाँ पे ये है एप्पल आर्केड, फ्रेश वॉल्स कमिंग सून। एक्चुअली देखो मैं बताता हूँ, अगर आपको एयरपॉड सुनने मजा करना है, मैं यहाँ पे उठा लगाया और गेमिंग चालू। मेरे पास भी सेम आईफोन है बट ये अच्छा सा लग रहा है, 15,000 रुपए की केबल भाई। यहाँ पे नीचे एयरपॉड्स रखे हैं, ये तगड़ा लग रहा है। हम एक्चुअल खरीद के देखते हैं एक्सपीरियंस में क्या डिफरेंस है, लेट्स गो। हमने बेसिकली दो प्रोडक्ट खरीद लिए हैं और यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है काफी ज्यादा सीमलेस होता है, आपको किसी भी लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ता, कहीं पे भी जाना नहीं पड़ता, जहाँ पे आप खड़े हैं वहीं पे आप पेमेंट कर सकते हैं। जो भी एप्पल का एग्जीक्यूटिव है उनके पास एक्सेस होता है वो पेमेंट करने का। एप्पल एक्चुअली 25 साल से इंडिया में और 25 साल से एक भी एप्पल स्टोर नहीं था। इससे पहले एप्पल मतलब ऐसे थर्ड पार्टी रिटेलर जो होते थे उनके साथ पार्टनर करके अपने प्रोडक्ट्स को बेचता था, बट वो जो पार्टनर्स होते थे उनके जो एम्प्लॉयज़ होते थे वो बहुत मतलब उनको ट्रेनिंग नहीं मिलती थी और काफ़ी सारे सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करी जाती थी। बट यहाँ पे ऐसा है कि एक ऑफिशियल स्टोर है, एक ट्रस्टवर्दी एक्सपीरियंस आपको देखने को मिल जाता है। आपका एक स्टार्ट था 1 मिलियन जॉब्स उन्होंने क्रिएट करी है इंडिया के अंदर, और इतनी जॉब क्रिएट करने के बाद 25 साल बाद एक स्टोर लॉन्च करा गया इंडिया में। बट एक चीज़ अच्छी है कि जो एक्चुअल स्टोर क्रिएट करा गया वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और प्यारा है। मैंने वर्ल्ड वाइड काफ़ी सारे एप्पल स्टोर्स ट्राई करे हैं और सब इतने बड़े, सब इतने सुंदर नहीं होते। यहाँ पे 100 लोगों का स्टाफ है और सब लोग मतलब अलग अलग 25 लैंग्वेज तक बोलते हैं। देखो मैं कुछ चीज़ें पहले ही क्लियर करता हूँ, या ना तो आपको कोई डिस्काउंट्स मिलेंगे स्टोर के ऊपर पहले लॉन्च पे, या ना ही कोई स्टार्टिंग पे अलग से कोई ऑफर मिल रहा है। हमने पूछा कि ग्लोबल वारंटी मिलेगी नहीं मिलेगी, अभी कुछ अनाउंस नहीं करा गया है। साथ साथ इन स्टोर में आपको प्राइसेस कम भी नहीं मिलेंगे। एप्पल स्टोर में सबसे खास बात, अगर आपको प्रोडक्ट खरीदने जाना है तो आपको एक्सपीरियंस बहुत अच्छा मिलेगा, ऑल्दो लाइनें वाइनें होंगी जिस हिसाब से मैं भीड़ देख रहा हूँ, बट उसके साथ साथ अगर आपको कोई पुराना आईफोन लेना है, नया आईफोन लेना है, या फिर जो ब्रांड न्यू लेटेस्ट आईफोन आते हैं वो सबसे पहले इसी एप्पल स्टोर पे आने वाले हैं। अगर समझ लो 4-5 लाख का लैपटॉप लेना है तो आप काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे ट्राई एंड टेस्ट कर सकते हो। काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जैसे एप्पल का पॉलिशिंग क्लॉथ है, अडाप्टर्स होते हैं, सारी चीज़ें मिलना मुश्किल होता है स्टोर पे, तो एक स्टोर पे आपको भाई मोबाइल्स, लैपटॉप, पुराने नए सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाती है जो एप्पल के पास है। तो बेसिकली भाई स्टोर के अंदर बड़े बड़े कांच हैं, पेड़ हैं, अलग अलग चीज़ें लगा रखी हैं, बट ये सारी चीज़ें इस स्टोर को स्पेशल नहीं बनाती। जो चीज़ इस स्टोर को स्पेशल बनाता है मेरे हिसाब से वो है यहाँ के लोग। और खाली यहाँ पे नहीं, जितने भी मैं एप्पल स्टोर्स पे गया हूँ पूरे वर्ल्ड के अराउंड, अगर आप स्टोर में घुस के किसी एम्प्लॉय से बात कर दो तो ऐसा नहीं लगता कि आप किसी सेल्समैन से बात करो। वो आपको बेचने की कोशिश नहीं करते ज़्यादातर चीज़ें, वो एक दोस्त की तरह आपसे बात करते हैं, और कभी कभार वो प्रोडक्ट अगर सही नहीं है आपके लिए तो आपको मना भी कर देते हैं लेने से। और मेरे हिसाब से भाई जो कस्टमर के साथ इंटरेक्शन है, प्रोडक्ट के साथ साथ जो एम्प्लॉई है उसको एप्पल बहुत ज़्यादा सीरियसली लेता है, और इसी वजह से भाई स्टोर्स काफ़ी ज़्यादा फेमस भी और काफ़ी ज़्यादा चलते हैं। यहाँ पे एक्सपीरियंस डेफिनेटली भाई एकदम टॉप नॉच मेरे को लगा, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया भाई स्टोर को ट्राई करने में। काफ़ी ज़्यादा हाइप है, काफ़ी ज़्यादा लोग एक्साइटेड हैं भाई इंडिया के पहले एप्पल स्टोर के लिए, और हमको भी भाई वो एक्साइटमेंट फील। चलो भाई ऐसे स्टोर्स आते रहे, मज़ा आएगा। Bye-bye.